क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली करारी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की मुसीबतें थमने का नाम नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने कल शाम महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 60 विकेट से काफी बुरी तरीके से हराया, वो भी सिर्फ 18वें ओवर में ही। ऐसे में दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को इतनी शानदार शिकस्त मिली तो उसके बाद भी उनकी मुसीबतें थम नहीं रही हैं। महेंद्र सिंह धोनी की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी मात्र 0 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उनके बाद मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी को लगा एक और बड़ा झटका, जिसे सुन आपको भी काफी बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैच खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को फाइन लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को फाइन लगाया गया 12 लाख का स्लो रन रेट मेंटेन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी रन रेट मेंटेन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी को 12 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा अपनी मैच फीस में से। काफी बड़ा झटका लग गया है महेंद्र सिंह धोनी और उनके फैंस को। कल रात में ही महेंद्र सिंह धोनी का खराब प्रदर्शन रहा था बल्लेबाजी में, क्योंकि वो मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अब मैच के बाद जहां चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार गई, लेकिन उसके बाद भी मुसीबत महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ से कमबैक करना काफी ज्यादा जरूरी है चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि पहले ही मुकाबले में गेंदबाजी काफी ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आई चेन्नई सुपर किंग्स की। ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स को अगर वापसी करना है तो काफी धाकड़ प्रदर्शन करना होगा और एक ऐसे गेंदबाज को लाना होगा जो उन्हें हमेशा विकेट निकाल कर दे। ऐसे में लुंगी निगिडी, जैसन बैरन ड्रॉप जैसे ऑप्शन अभी बाकी हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। देखते हैं आने वाले मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स किस हिसाब से प्रदर्शन करती है। तो सो आपको महेंद्र सिंह धोनी पर यह फाइन लगाया जाना चाहिए था या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला हो चुका है समाप्त। दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों समरी की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने, इतने रन का पीछा करते हुए 190 रन लगा दिए दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 18वें ओवर में, और काफी सक्सेसफुल रन चेस हो गया। दोस्तों आप सभी को बता दें, 188 रन बनाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सुरेश रैना ने 54 रनों की धाकड़ पारी खेली थी सिर्फ 36 गेंदों में, जो कि काफी बेहतरीन पारी थी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, मैच खत्म होने के बाद सुरेश रैना ने अपना बड़ा बयान दिया है। दोस्तों इस बयान में सुरेश रैना ने काफी कुछ कहा है, आइए आप सभी को बताते हैं सुरेश रैना ने अपने बयान में क्या कहा। दोस्तों सुरेश रैना ने अपने बयान में सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि उनकी बल्लेबाजी टेक्निक किस हिसाब से इंप्रूव हुई। उसके बाद सुरेश रैना ने अपनी टीम प्रदर्शन के लेकर कहा। उसके बाद सुरेश रैना ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के बारे में कहा। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत के बारे में सुरेश रैना ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफी बैलेंस टीम नजर आई, हालांकि बल्लेबाजी उनकी सबसे ज्यादा बेहतरीन रही, हमारे गेंदबाजों ने उतना खास प्रदर्शन नहीं किया, दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन था, ऋषभ पंत ने भी काफी अच्छी कप्तानी निभाई, और ऐसे में काफी ज्यादा खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, अगली बार जब भी ये परफॉर्मेंस की बात आएगी तो हम और भी ज्यादा बेहतर कोशिश करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और भी तूफानी प्रदर्शन करें। ऐसे में दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, सुरेश रैना को ऐसा लग रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम लग रही थी। ऐसे में वो ऋषभ पंत से लेकर अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ऋषभ पंत को चेतावनी दे रहे हैं कि सुरेश रैना अब आने वाले समय में और भी धाकड़ प्रदर्शन कर काफी तूफानी तरीके से अपनी टीम को विजय बनाएंगे। अब आने वाला समय बताएगा ये तो सुरेश रैना का कैसा प्रदर्शन रहता है। दोस्तों आपको सुरेश रैना के इस बयान पर क्या कहना, हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में समाप्त हो चुका है आईपीएल 2020 का दूसरा और तूफानी मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स।
दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही, जहां इस मुकाबले में फैफ डुप्लेसी मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद मोइन अली और सुरेश रैना ने एक सूची समझी साझेदारी निभाई। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में 36 रन लगाए मोइन अली ने 24 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन वो अश्विन की गेंद पर धवन को अपना कैच दे बैठे। उनके बाद सुरेश रैना ने 54 रनों की सबसे धाकड़ पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में 54 रनों की शैतानी पारी खेली सुरेश रैना ने सिर्फ 36 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 4 तूफानी चौके व 3 तूफानी चौके जड़े। ऐसे करकर सुरेश रैना अंत में आकर रन आउट हो बैठे क्रिस वोक्स के हाथों, ऋषभ पंत के हाथों। ऐसे में उनके बाद अंबती रायडू ने 23 रनों की पारी खेली और उनके बाद रविंद्र जडेजा ने 26 रनों की पारी खेली 17 गेंदों का सामना करते हुए। अंत में धोनी आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। इतनी देर के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी मात्र 0 रन पर आउट हो गए, जो काफी बुरी बात है। ऐसे में अंत में आया सैम करन का तूफान। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में सैम करन ने 34 रनों की तूफानी पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 15 गेंदों में, जिसमें से सैम करन ने 2 छक्के व 4 तूफानी चौके जड़े। ऐसे करकर अपने निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 188 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अब इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें, दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत हद से ज्यादा बेहतरीन, काफी लाजवाब, काफी ज्यादा शानदार रही। इस मुकाबले में 72 रनों की धाकड़ पारी खेली पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 38 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 3 तूफानी छक्के व 9 चौके जड़े। अंत में आकर वो डीजे ब्रावो की गेंद पर मोइन अली को अपना कैच दे बैठे, तो दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने तो और भी ज्यादा भयंकर बल्लेबाजी की। इस मुकाबले में शिखर धवन ने 85 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 54 गेंदों में, जिसमें से शिखर धवन ने 2 तूफानी छक्के व 10 तूफानी चौके जड़े। ऐसे करकर आधा मैच यही जीत चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो अंत में आकर पंत 15 व स्टॉइनिस 14 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को 18वें ओवर में ही विजेता बना दिया 7 विकेट से। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा बेहतरीन शानदार तूफानी प्रदर्शन रहा दिल्ली कैपिटल्स का, और दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के तूफानी दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों आपको ये जीत दिल्ली कैपिटल्स की कैसी लगी, हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला वैनखेड़े के स्टेडियम में तूफानी तरीके से शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बताते हैं, इस कांटे की टक्कर के मुकाबले में सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत हद से ज्यादा खराब रही। जानके पास फैफ डुप्लेसी मात्र 0 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी मात्र 5 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर शिखर धवन को अपना कैच दे बैठे, लेकिन उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। दोस्तों आप सभी को बता